नमस्कार, आज हम बात करेंगे योग और आध्यात्म के बारे में। देखिए, योग जो युज शब्द से बना है, युज मतलब जोड़ना, माइंड बॉडी और स्पिरिट को जोड़ना। देखिए, ये जो एक वाज योगा जो है, वाज योगा मतलब वी से वात जो प्राणायाम है, यानी कि जो एयर ब्रीदिंग करते हैं हम, दूसरा ए से आसन जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फिजिकल पोस्चरिंग और जो कसरत होती है, और तीसरा कंपोनेंट होता है इसका जीवनदायी मेडिटेशन यानी कि ध्यान। तो इन तीन कंपोनेंट से जो वाज योगा बनता है। जब हमने तकरीबन 500 मरीजों में वाज योगा का इस्तेमाल किया और बाकी 500 में नहीं किया, तो हमने उसमें बेसिकली एविडेंस देखने का प्रयास किया और उसको हमने 12 हफ्ते 1 घंटे इनको हमने योग कराया वाज योगा, और हमने उसमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया जो कि IQ EQ SQ यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स, स्ट्रेस स्कोर्स, इन सब को असेस किया पहले और 12 हफ्ते बाद। दूसरा, हमने उसमें EEG किया, ब्रेन का जो ब्रेन की एक्टिविटी को दिखाता है शुरुआत में और 12 हफ्ते बाद की, वो किस प्रकार चेंज होती है। तीसरा, हमने उसमें ब्रेन के जो डोपामिन और सेरोटोनिन करके जो हार्मोन्स होते हैं उनको असेस किया, जो ब्लड असेसमेंट था जो पिकोग्राम्स में होता है हमारे ब्लड में शुरुआत में और 12 हफ्ते बाद। तो हमने ये पाया कि देखिए, इसमें जो IQ में तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, पर जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, IQ हमारा लेफ्ट ब्रेन से गवर्न होता है, EQ इमोशनल क्वेश्चन होता है जो राइट ब्रेन से गवर्न होता है, वो बेहतर हुआ। हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो होता है, जो कि हमारे होलिस्टिक एक ब्रेन से जो बनता है, वो बेहतर हुआ। साथ ही साथ में EEG में जो एक्टिविटी थी, अल्फा एक्टिविटी, उसका कुछ हमारे टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब में वो बढ़ी, पैराइटल लोब में डेल्टा एक्टिविटी बढ़ी, जिससे ये पता चलता है कि एक जो हम एक हमारी कंसंट्रेशन एकाग्रता बेहतर हो रही है। इसके साथ ही जो हार्मोन्स थे तकरीबन उनका 3-fold जो हैप्पी हार्मोन्स हैं डोपामिन और सेरोटोनिन, वो बढ़े 12 हफ्ते बाद ही मात्र। तो देखिए, ये क्लियर तौर पर बताता है कि जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन जब बढ़ता है तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको एक शांति खुशी का अनुभव होता है, और उससे आप अपने आप को बेहतर हैंडल कर पाते हैं, ज़्यादा आप जॉयफुल रहते हैं, ज़्यादा शांत रहते हैं, और इसका प्रभाव आपकी फैमिली लेवल पे ये होता है कि एक एम्पैथी कंपैशन जो डेवलप होता है, उससे छोटे छोटे मन मुटाव और इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करना सीखते हैं और बड़ी चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ इम्प्रूव होती है। और एक सोसाइटी के लेवल पे देखा जाए तो सोसाइटी लेवल पे जो एक हमारा रोज का काम होता है, जो पैसे कमाने के लिए विच बिकम्स अ डेली कोर वी गो फॉर वर्क, तो अपना वर्क प्लेस एक जॉयफुल हो जाता है। तो ये जो खुशी और जो शांति का अनुभव होता है, ये सोसाइटी लेवल पे भी वायलेंस कम होती है, बेहतर सोसाइटी का निर्माण होता है, तो इसका बड़ा ही महत्व रहता है। तो देखिए, इसी को समझते हुए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये आध्यात्म योग ये धर्म से परे है, और सारे धर्मों में इसका विवरण है। ये हमारा जो 5000 साल पुराना विज्ञान है, इसका इस्तेमाल करें, किताबों और कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, जनमानस में इसका प्रचार प्रसार हो। जैसा मैं समझता हूँ, न सिर्फ हम 70% बीमारियाँ रोक पाएंगे इससे, बल्कि आम जिंदगी को बेहतर कर पाएंगे। देखिए, ये बात की मैंने आम जीवन की। आज हमारा ये एक सौभाग्य है कि हमारे साथ इंडियन आर्मी के कर्नल पंकज शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो चूंकि आप इन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं कर्नल साहब, सो आपको क्या लगता है इसका एप्लीकेशन आपके प्रोफेशन में किस तरह है? सर, जैसे आप सब जानते हैं, इंडियन आर्मी में 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग के लिए जो प्रक्रिया है, रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करना, जिससे कि आप शस्त्रों को अच्छी तरीके से चला सकें। दूसरा है आपकी फिजिकल फिटनेस को प्रबल रखना, ताकि आप किसी भी एरिया में जाकर लड़ाई ढंग से कर सकें। और तीसरी चीज़ है मेंटल कैपेबिलिटी या मेंटल अवेयरनेस को अच्छा रखना, उसको स्टेबलाइज्ड रखना, और इस चीज़ के लिए योग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक लड़ाई का जो मैदान होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग सही टाइम पर बिना किसी संकोच के या बिना किसी टेंशन में लेने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, जो कि आप योग से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और रेपिटेटिवली अगर उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें, तो आपके जीवन में बेसिक डिसीजन मेकिंग करना
या अपने आप को शांत रखना या अपने आप को पॉजिटिव रखना, इन सब चीजों में योग आपकी बहुत मदद करेगा। और सेम चीज इंडियन आर्मी में लागू है, जहाँ की आप देखें, जहाँ आप कठिन एरियाज में रहते हैं और वहां पर आपके मेंटल स्टेबिलिटी को कायम रखना या पॉजिटिव रखना, योग आप में आपको उसमें बहुत हेल्प करता है। ये बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा बताया, चाहे हमारे आम जीवन में हो या एक फौजी की जो टफ लाइफ है उसमें, शायद योग का जो जो एप्लीकेशन है, जो आपने गणल साहब बताया, जो इंटेंसली करें, रेपिटेटिव किसी भी चीज़ को करें, बार बार करें, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये फिर आपके जीवन का परमानेंट हिस्सा हो जाता है, और जब ये जीवन में परमानेंट हिस्से के रूप में आ जाता है आपके, तो डेफिनेटली आपकी इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ और देश और दुनिया के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। थैंक यू।